नमस्कार, चतरा लोकसभा में मतदान शुरू हो गया है। इस वक्त समय जो है लगभग 7:30 बज रहा है। हमारे साथ एक मतदान करके निकले हैं, पहले दिखाइए आप मतदान कर दिए। ये देखिए, ये चतरा के वोटर हैं जो मतदान कर चुके हैं। ये देवरिया बूथ है, चतरा का शहरी इलाका का देवरिया बूथ है। ऐसे 1899 बूथ जो है चतरा लोकसभा में बनाए गए हैं। 8 लाख पुरुष है और 8 लाख महिला मतदाताओं की जो है संख्या है, मतलब बराबर की संख्या है। क्या नाम हुआ आपका? वोट दे दिए? कितने बजे आए थे बूथ? हम आए थे 6 बजे। एकदम 6 बजे? एक घंटा खड़ा रहे। एक घंटा आप खड़े रहे? खड़े रहे। पहला वोटर है जी? नहीं, पहला नहीं, हम पांचवा वोटर है। पांचवा वोटर है हमारे साथ। जो शख्स देख रहे हैं आप, ये पांचवे वोटर है, मतलब पहला वोटर के बाद पांचवे नंबर पे आप आइएगा, वो वोटर है। क्या सोच रहे थे वोट देते टाइम पे, क्या दिमाग में चल रहा था? हमको देश का राजा चुनना था, हम अपना राजा चुन ली। चुन लिए? चुन लिए। कैसा लगा मतलब मतदान करने के बाद? अच्छा लगा, अच्छा लगा। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस। वहाँ पे जाकर अपना वोट देकर अधिकार, अपना अधिकार आपने यूज कर लिए। क्या बात, त्रिभुवन जी की वीडियो बना रहे हैं। कहाँ हुआ आपका? हमारा देवरिया, देवरिया घर हुआ। बोल रहे हैं कि अपना राजा चुन लिए हैं। एक बार कैमरा घुमा दीजिए और दिखाइए कि देवरिया बूथ की स्थिति क्या है। अभी भी लोग जो है लाइन में लगे हैं और वोटिंग प्रक्रिया जो है वो 5 बजे तक चलना है। आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है लाइन में लग लग करके नेता और सांसद और विधायक चुनते हैं। यही वो लोग हैं देखिए। ये है चतरा का देवरिया बूथ जहां पर इस वक्त जो है मतदान शुरू हो रहा है। क्या कहिएगा, क्या तैयारी है? 111 बूथ नंबर में हम लोग 5 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा, 5 बजे सुबह से? जी। खाना वाना खाए, नाश्ता वास्ता हुआ? तो मतदान करेंगे उसके बाद नाश्ता खाना, मतलब पहले मतदान फिर जलपान। तब जलपान। क्या कहेंगे सर, क्या अनुभव है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा अनुभव है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वोट देने के लिए कितने देर से खड़े हैं लाइन में? 5 बजे से आए। 5 बजे से खड़े हैं? 5 बजे से खड़ा। देखिए तो 5 बजे से लोग जो है थोड़ा खड़े हैं, लोग वोट दे चुके हैं। बधाई कि आप जो है अपना अधिकार का इस्तेमाल कर लिए हैं। आइए सर, आप भी आ गया जी। क्या नाम हुआ सर आपका? शिवनाथ पांडे। शिवनाथ जी, आप लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो मतदान बोलते हैं उसका एक हिस्सा आप आज बने हैं। इससे पहले भी आप वोटिंग आपका हुआ होगा। क्या कहेंगे, क्या दिमाग में चल रहा होता है? राजनीतिक बयान मत दीजिएगा, बस ये बोलिए कि ये जो अधिकार है उसको लोगों को किस तरीके से लेना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? अपना लोकतंत्र जो है, अपना मतदान, अपना लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना वोट का। बिल्कुल, लोकतंत्र को बचाने के लिए यही एक उंगली जो है एकमात्र उपाय है। इसी उंगली से जो है आपके नेता दिल्ली पहुंचते हैं। क्या भैया, सही बात है? सही बात। और बताइए दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम त्रिवेणी। बड़ा सा मेरे वोटिंग मारे महाराज, एकदम तीसरा नंबर में दिया। तीसरा नंबर में? देखिए अब हमको धीरे धीरे जो है पहला जो वोटर है वो मिल रहे हैं, तीसरा पर पहुंचे हैं, पांचवा पर थे। पहला कहाँ है? पहला नहीं दिख रहे हैं? पहला तो निकल गया, बुजुर्ग थे, बुजुर्ग थे उनका मुझे। आप भी, आपका भी वोटिंग हो गया सर, बहुत बहुत बधाई। कहाँ रहते हैं आप? जी देवरिया। देवरिया, उंगली दिखा दीजिए एक बार, सब उंगली दिखाइए, उंगली। यही तो है, यही है आज का त्योहार, यही अधिकार मेरा है, यही अधिकार है, ये मेरा वोट, ये मेरा अधिकार, ये सरकार दिए के दावा है। शान से कह सकते हैं ये, में जो मेरा काम कर सकता है, मेरे देश की रक्षा कर सकता है। बिल्कुल स्वाभिमान से कह सकते हैं, ये मेरा अधिकार, ये अधिकार इनसे कोई नहीं छीन सकता है, ये अधिकार मेरे से कोई नहीं छीन सकता है। बिल्कुल, आज ये परेशान हो रहा होगा। क्या कहेंगे सर, क्या चल रहा था वोटिंग से पहले और वोट देने के बाद? विकास के आधार पर वोटिंग हो रहा है और ये लोकतंत्र का मजबूत करने के लिए एक अधिकार है, वोट देना बहुत जरूरी है। सभी लोग से अपील है कि आप घर से निकलें और वोट करें। मतदान अपना है, से पहला मतदान तब जलपान। ठीक है। और जो देश को जरूरत है, जिसको चुनने का, जो राजा को चुनने का देश को जरूरत है, अभी उसको वोट करने के लिए निकलना बहुत जरूरी है। विकास के मुद्दा है और हमारे यहाँ जो विकास हो रहा है, हम लोग हैं से उस पर कायम है और उसको वोट किए। चलिए चलिए, और अपील है कि सभी लोग आकर के वोट करें, अपना अधिकार को प्रयोग करें, अपना अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, यही बोला जा रहा है। और मुद्दा है सिर्फ विकास, विकास और विकास। हम आपको
चतरा लोकसभा के और बूथ पर ले जाएंगे और वहां की भी स्थिति दिखाएंगे। अभी भी देखिए लोग जो है, हालांकि गर्मी का मौसम चल रहा है लेकिन फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आज इनका अधिकार के इस्तेमाल करने का दिन है। लोग लाइन में खड़े हैं, काफी टाइम से लाइन में खड़े हैं। दूसरे आप देखिएगा कि दूसरी तरफ महिलाओं का लाइन है, पहला तरफ आपको जो दिख रहा है पुरुषों का लाइन है। बने रहिएगा हमारे साथ। चतरा के एक एक बूथ, जितना ज्यादा से ज्यादा बूथ हो सके वहां पर मैं जाऊंगा और मतदाताओं की जो प्रक्रिया है वो आप तक पहुंचाऊंगा। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360006191। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.